गाइस वेलकम बैक अगेन टू एमसी कपिल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम मस्त बिंदास हमेशा की तरह। वेलकम बैक टू हमारा नया व्लॉग जिसमें मैं बात करने वाली हूँ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली वर्सेस अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किसका वेटेज हाई है, कौन कहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, किसकी कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ और मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करूंगी। होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वीडियो एक क्वेश्चन के साथ। तो आज आपके हिसाब से इस टाइम पे किसका लाइफस्टाइल, एजुकेशन सिस्टम और ओवरऑल ग्रोथ, इनकम किसकी ज्यादा अच्छी है, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की या एक अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली की? अगर आपका आंसर है अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली तो आप एकदम सही है, बिकॉज अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली की इनकम एज कम्पेयर टू इंडियन मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि मिडिल क्लास कैटेगरी में फॉल करने का क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल काउंसिल, जितने भी इंडियंस की इनकम 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में होती है वो लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में फॉल करते हैं। और वहीं अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो के हिसाब से जिनकी सैलरी 38 लाख से 1.15 करोड़ के अप्रॉक्स होती है वो मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। है ना मजे की बात। अगर आप इंडिया में करोड़पति हैं तो अमेरिका में आप एक मिडिल क्लास कैटेगरी में आएंगे। और दोनों देशों के मिडिल क्लास इनकम के बीच में 50 लाख 50 लाख रुपए का अंतर है। तो इसका रीजन सिर्फ अमेरिका की डेवलप्ड इकोनॉमी है या इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं? तो हम सारे रीजंस को क्लोजली से जानते हैं। तो बात करें अमेरिका की, अमेरिका में मोस्टली लोग मिडिल क्लास जो पीपल हैं वो व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, इंजीनियर, लॉयर, कमिश्नर, मिलिट्री ऑफिसर, आर्किटेक्ट, जर्नलिस्ट और भी बहुत ऐसी व्हाइट कॉलर जॉब्स। यानी कि अमेरिका के मिडिल क्लास वो सारी जॉब्स करते हैं जो इंडिया के अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग करते हैं। बात करें इंडिया के मिडिल क्लास लोगों की तो उनकी टिपिकल टाइप ऑफ जॉब है आईटी प्रोफेशनल्स, पुलिस ऑफिसर, ऑफिस सपोर्ट, सेक्रेटरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अकाउंटेंट या एक टीचर, नर्स या मैनेजर और बैंक एम्प्लॉय। यानी कि टिपिकल 9 to 5 जॉब्स और जो एकदम सिक्योर हैं। तो इंडियंस बेसिकली सिक्योर जॉब को ढूंढते हैं। इवन एचआर कथा जो एक ह्यूमन रिसोर्स वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी दुनिया भर का मानना है कि 56% को ही लगता है कि उनका लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा इन फ्यूचर। वहीं इंडिया में ये नंबर बढ़कर 81% हो जाता है, जिसमें से 81% लोगों को लगता है इंडिया में कि उनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है और वो लाइफ लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अब भरोसा होना तो बनता ही है, बिकॉज सब इंडियंस ने सिक्योर जॉब वाली कुर्सी को पकड़ के रखा है और जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां इंडियंस रिस्क लेने से भाग रहे हैं वहीं अमेरिकन्स को लगता है नॉट टेकिंग अ रिस्क इज द बिगर रिस्क। लॉजिकली देखा जाए तो वो सही भी है, क्योंकि उनका यही कहना है जॉब कैटेगरी आए दिन बदल रही है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ जो टेक्नोलॉजी अभी तक थी अब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एआई ने आके तो और धूम मचा रखी है मार्केट में। और अगर अब आप इसी स्पीड की रेस में अपने सिक्योर जॉब को पकड़ के बैठे रहेंगे तो ये सब तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और बिकॉज ऐसा करने से हर एक इंसान टेक्नोलॉजिकली और प्रैक्टिकली पीछे रह जाता है, क्योंकि कल को उनकी सिक्योर जॉब चली गई और उनकी कंपनी बंद हो गई फिर तो उसकी लाइफ की अच्छी खासी बैंड बच गई और एक ट्रैजिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसी से रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कवर किया था कैसे एआई आके आईटी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है और कैसे बहुत सारी मार्केट की जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं एआई की वजह से। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर अटैच कर दूंगी, तो आप बाद में जाके देख सकते हैं, इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारी जॉब इस टाइम पे हाईली अनसिक्योर है और हमें उसके लिए क्या करना है। वापस आते हैं इसी टॉपिक पे और मिडिल क्लास अमेरिकन की ये सोच को देखते हुए, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनके थॉट प्रोसेस को जानते हुए ये पॉइंट उनको जाता है, यानी कि अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली को। तो अब जानने वाली बात ये है कि अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर का ये थॉट प्रोसेस डेवलप कैसे हुआ, कैसे उन्हें आया कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी और मार्केट के डिमांड के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखना, ऑफकोर्स ये हुआ उनके एजुकेशन सिस्टम की वजह से। बात करेंगे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की, जो मेजरली फोकस करता है कि स्टूडेंट्स कैसे इंडिपेंडेंट बने और उन्हें प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल सेट जो कि वो आगे जाके अपने प्रोफेशन में यूज करें। और जबकि इंडिया में आज भी बच्चों में वही रट्टाफिकेशन वाली आदत और अच्छे ग्रेड्स लाने की रेस चल रही है, इवन इंडियन पेरेंट्स और इंडियन स्कूलिंग सिस्टम भी बस यही देख रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज लाना बहुत जरूरी है और
प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कि इंडियन स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस भी अमेरिकन स्टूडेंट्स के थॉट प्रोसेस की तरह चेंज हो और उनमें भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी आए। अब एजुकेशन सिस्टम और जॉब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, जो है किसका लाइफस्टाइल बेटर है, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का या फिर अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली का। बात करें अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली की, जिनकी एनुअल इनकम होती है लाख से करोड़ के बीच में, वहीं इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की इनकम 5 लाख से भी कम होती है। बट हैरानी वाली बात तो ये है, इसके बावजूद भी इंडियन के 69% मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनके पास अपना खुद का घर है, जबकि वहीं अमेरिका में सिर्फ 64.4% के पास अपना घर है, वहीं 36% से ज़्यादा लोग रेंट पर रहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे व्हाई, राइट? अमेरिकन तो हमसे ज्यादा कमाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों? इसका रीजन है उनकी मेंटालिटी, जिसने उनको बेघर तो रखा है बट उसकी वजह से वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। हर एक मिडिल क्लास इंडियन का सपना होता है कि वो अपनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करता है, वहीं एक अमेरिकन मेंटालिटी के हिसाब से देखा जाए तो लोग सिक्योरिटी के बजाय अपनी जरूरत की चीजों, अपने घूमने फिरने या फिर अपने खाने पीने पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनको मैटर करता है कि लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस गेन किए जाए, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यही वो एक ओवरऑल रीजन है जिसकी वजह से 64% अमेरिकन्स हैं जिनका खुद का घर है, वहीं 69% से ज्यादा इंडियंस अपना खुद का घर होल्ड करते हैं। तो भैया सेविंग के मामले में इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, वो तो हमारे खून में और यहां तो हमें जीतना 100% बनता है। तो यहां देखा जाए इंडिया की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी से नीचे है, बट फिर भी सेविंग्स बहुत हाई है। अगर सोचिए जितना पैसा अमेरिका कमा रहा है वही उतना पैसा अगर आगे जाके इंडिया कमाने लगेगा तो हमारा सेविंग रेट कितना ज्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू अमेरिका। है ना सारी बातें हैरान कर देने वाली और मजेदार। तो यही थे ओवरऑल कुछ मेजर पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी, जो मेजर डिफरेंसेस हैं एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में और एक अमेरिकन मिडिल क्लास फैमिली में। दोनों के अपने कुछ अच्छे व्यू पॉइंट्स और हमें लेने चाहिए, इंडियंस को अमेरिकन से लेने चाहिए और अमेरिकन को इंडियन से लेने चाहिए, जिससे दोनों कंट्रीज अच्छे से ग्रो करें। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एनसी कपिल टीवी। लव यू गाइज़।